गाइज अभी के समय फ्री फायर में बंडल से ज़्यादा लोग टी शर्ट को प्रीफर करते हैं पहनने में, क्योंकि उसमें ज़्यादा मूवमेंट अच्छा दिखता है, अच्छा लुक लगता है देखने में और एक प्रो प्लेयर जैसा पहचान लगती है देखने में। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग टी शर्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्री फायर में अभी के समय में कौन कौन सा रेयर टी शर्ट है और कौन कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर टी शर्ट है? तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं टी शर्टों के बारे में जिक्र करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको फ्री फायर के रिलेटेड टॉप 17 बेस्ट एंड फेमस एंड रेयर टी शर्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो अभी के समय में लोग यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर का टॉप 17 रेयर टी शर्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 17 गाइस, नंबर 17 पे जो टी शर्ट आती है उसका नाम है कोरिंथियन टी शर्ट, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये कितना पॉपुलर है आपको बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये आपको स्टोर में देखने को मिलेगा। ये रेयर टी शर्ट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर टी शर्ट में से एक है, जो बहुत सारे लोग इसको पहनते हैं और बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट अच्छा होता है जब ये टी शर्ट पहनते हैं। और ये टी शर्ट नोबरू प्लेयर का है, उनकी टीम का है, जब 2019 में वर्ल्ड कप जीता था, तो इसी कारण इस ड्रेस को फ्री फायर में ला दिया था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये नोबरू टीम का टी शर्ट कुछ इस तरह से लगता है देखने में। नंबर 16 गाइस, नंबर 16 पे मैंने बहुत ही सारे टी शर्ट रखा। सबसे पहले यहाँ पे कीप काम एंड बुया वाला देख सकते हो, कुछ इस तरह से लगता है देखने में। ये सीजन 1 से ही टी शर्ट आया, उसके बाद यहाँ पे बैक टू स्कूल करके देख सकते हो, जहाँ पे एक बच्चा का तस्वीर बना हुआ है। ये भी बहुत ही ज़्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है, बहुत ही कम बंदों के पास है जिसमें एक बच्चा बना हुआ। उसके बाद एक हाथी बना हुआ जिसका नाम है शंकरन एलिफेंट करके, जहाँ पे टी शर्ट पे हाथी का बच्चा बना हुआ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा रेयर। फिर शंकरन यहाँ पे एलिफेंट, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा यहाँ पे देख सकते हो, ये भी उसी तरह का नाम है, लेकिन यहाँ पे टी शर्ट देख सकते हो कुछ यहाँ पे अलग है, कुछ इस तरह से। उसके बाद ईस्टर एक हंट करके है, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है, और ये सारे एक साथ आया था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पर्पल कलर का यहाँ पे चूजा या अंडा टाइप का बना हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद सेम उसी तरह का ईस्टर एक हंट करके है, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर का एक बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे टी शर्ट जो ना बहुत ही ज़्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है। नंबर 15 गाइस, नंबर 15 पे जो टी शर्ट आता है उसका नाम है माय डियर टीममेट करके, जिसमें लिखा है आई एम विद फूल करके। ये भी ब्लैक कलर का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये बहुत ही पहले आया था, जब सीजन 1 सीजन 2 चल रहा था उसी वक्त ये टी शर्ट आया था, जो अभी के समय काफ़ी ज़्यादा रेयर एंड ओल्डेस्ट टी शर्ट में से एक है, जिसमें लिखा हुआ है आई एम विद फूल करके। तो ये टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है, जो बहुत ही पुराना है। नंबर 14 गाइस, नंबर 14 पे तीन टी शर्ट आती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका नाम है कुकी ब्लू करके, जिसपे यहाँ पे बिस्किट फ्री फायर का बना हुआ है। उसके बाद उसी तरह का यहाँ पे पर्पल कलर का बिस्किट बना हुआ है, जिसमें फायर लिखा हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट कलर का टी शर्ट एक साथ आया था हमारे गेम में, जहाँ पे एक मिशन कंप्लीट करना था, उस मिशन में हमें ये तीन टी शर्ट मिला था देखने में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो अलग अलग कलर का है। सबसे पहले ब्लू कलर का है, फिर पर्पल, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये तीन कलर का टी शर्ट हमें फ्री फायर में बिल्कुल फ्री में देखने को मिला था, जो अभी के समय काफी ज्यादा रेयर है एंड काफी ज्यादा पुराना है, ठीक है। और बोल्ड प्लेयर के पास ही ये टी शर्ट होंगे, नए प्लेयर के पास ये कभी भी नहीं हो सकते। तो ये टी शर्ट काफी ज्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है। नंबर 13 गाइस, नंबर 13 पे जो टी शर्ट आता है उसका नाम है फोल्डेड फ्राइड टी शर्ट, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्लू कलर का और व्हाइट कलर का यहाँ पे मिक्सिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये भी काफी ज्यादा पुराना टी शर्ट में से एक है, 2019 में ये टी शर्ट आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और बहुत ही कम लोगों के पास है। तो ये भी टी शर्ट आप देख सकते हो, जो एक समय बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट हुआ करता था और अभी भी बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कुछ लोगों के पास, हालांकि ये ज्यादा है, बट ये टी शर्ट अभी के समय में भी काफी ज्यादा रेयरेस्ट एंड काफी अच्छा लगता है देखने में। नंबर 12 गाइस, नंबर 12 पे जो टी शर्ट आती है वो है ब्लैक टी शर्ट। हालांकि ये टी शर्ट आप रेयर तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये रेयर जरूर है। लेकिन ये कितना ज्यादा फेमस और कितना ज्यादा पॉपुलर है और लोग इसको कितना ज्यादा चाहते हैं, ये चीज आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, कि अभी भी ब्लैक टी शर्ट का जो क्रेज है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रेज है। और एक समय ये सबसे ज्यादा रेयरेस्ट टी शर्ट में से एक हुआ करता था, लेकिन फ्री फायर कमाने के चक्कर में इसको वापस ला दिया, जिसका इसका रेयरिटी थोड़ा सा खत्म हो गया, बट अभी भी ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और जिसके पास भी ये ब्लैक टी शर्ट रहता है वो जरूर पहन के खेलता है। इतना ज्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है ये ब्लैक टी शर्ट, इसलिए ये टी शर्ट मैंने इस लिस्ट में रखा है, क्योंकि ये अभी भी बहुत ही ज्यादा फेमस एंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टी शर्ट में से एक है, जिसका नाम है ब्लैक टी शर्ट, कुछ इस तरह से। नंबर 11 गाइस, नंबर 11 पे जो टी शर्ट आता है वो है ये बुया टी शर्ट, जिसका नाम है लास्ट शॉट हीरो, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये टी शर्ट बहुत ही ज्यादा
रेयर है। एक समय सबको ये फ्री में मिला था, लेकिन बहुत सारे लोग इसको क्लेम नहीं कर पाए थे, जो कि इसमें दो चेहरा बना हुआ है। इसका रेयरिटी का जो कारण और पॉपुलर का जो कारण है, इसमें यहाँ पे भूया लिखा हुआ और सामने वाले फेस में कोई हंस रही है और पीछे में कोई यहाँ पे गुस्सा तरीके से देख रहा है, ठीक है। तो एक ही टी शर्ट पे दो फेसेस का दो अलग अलग एक्सप्रेशन, इसलिए ये टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर एंड फेमस टी शर्ट में से एक है, जिसका नाम है लास्ट शॉट हीरो करके, जो कि यहाँ पे भूया लिखा हुआ है, जो कि जनरली से भूया टी शर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही कम बंदों के पास ये टी शर्ट मौजूद है। नंबर 10 गाइस, नंबर 10 पे जो टी शर्ट आती है उस पर यहाँ पे मदर्स डे लिखा हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। टी शर्ट पे यहाँ पे मॉम्स लिखा हुआ है, जो कि मदर्स डे में सबको मिला था, और यहाँ पे देख सकते हो ये टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है, जिसका नाम है मदर्स डे, और ये अभी के समय लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि ये टी शर्ट पर मॉम लिखा हुआ है, जो कि किसी भी टी शर्ट पर नहीं लिखा हुआ है। इसी बात पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मैं कभी कसम नहीं देता हूँ, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि जो कसम ना भी दे उसका भी चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। नंबर 9 गाइस, नंबर 9 पे जो टी शर्ट आती है वो इमोजी वाला टी शर्ट देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे टी शर्ट डिसलाइक करके है, जहाँ पे इमोजी पे यहाँ डिसलाइक किया हुआ है और गुस्सा से दिख रहा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। दूसरे नंबर का टी शर्ट की बात करें तो यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे हंस रहा है और यहाँ पे लाइक किया हुआ है, तो यहाँ पे दूसरा का टी शर्ट। और तीसरे पे यहाँ पे टी शर्ट स्माइल करके लिखा हुआ है, जो कि स्माइल कर रहा है फेस पे, ठीक है। तो ये तीन टी शर्ट बहुत ही समय पहले आया था और बहुत सारे लोगों के पास होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, क्योंकि यहाँ पे टी शर्ट पे इमोजी बना हुआ है। तो ये तीन टी शर्ट अभी के समय बहुत ही ज़्यादा रेयर एंड पॉपुलर टी शर्ट में से एक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। नंबर 8 गाइस, नंबर 8 पे जो टी शर्ट आती है वो है वीकली टी शर्ट, जहाँ पे टी शर्ट पे मंडे ट्यूडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे तक ये सातों के सातों दिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये एक इवेंट में आया था, जहाँ पे डायमंड पे ये सारी चीज़ें निकल रहा था, जो बहुत ही समय पहले आया था, इसलिए ये टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मंडे ट्यूडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे करके यहाँ पे सात टी शर्ट निकाला गया था अलग अलग यहाँ पे डे में, जो कि वीकली टी शर्ट के नाम से जाने जाने लगा, जो कि अभी के समय काफ़ी ज़्यादा रेयर टी शर्ट बन के उभरा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और आप जितने भी लोग देख रहे हो ना, 1% के पास भी ये टी शर्ट होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको नहीं निकाले थे, बहुत ही ज़्यादा डायमंड लग रहा था। तो ये टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है, जिसको कि हम वीकली टी शर्ट बोलते हैं। नंबर 7 गाइस, नंबर 7 पे जो टी शर्ट आती है उसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो सोंगरन टी शर्ट करके है, जहाँ पे सिक्स पैक दिख रहा है, ठीक है। ये टी शर्ट पे यहाँ पे सिक्स पैक दिख रहा है, जैसा कि लग रहा है यहाँ पे वर्कआउट करके आ रहा है, और जैसे यहाँ पे जिम करके आ रहा है, इसका यहाँ पे सिक्स पैक दिखने लगा है, इसलिए ये टी शर्ट काफ़ी ज़्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये टी शर्ट आप में से बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है, जिसका नाम है वेट सोंगकरन टी शर्ट करके, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 6 गाइस, नंबर 6 पे जो टी शर्ट आता है वो है आलोक टी शर्ट। जी हाँ दोस्तों, आलोक टी शर्ट, आलोक करेक्टर तो आप यूज किए होंगे, लेकिन आलोक टी शर्ट आप नहीं पहने होंगे, क्योंकि बहुत समय पहले जब वर्ल्ड सीरीज चल रहा था उस समय यहाँ पे आलोक टी शर्ट दिया गया था, और ये स्टोर पे भी देखने को मिला था, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पे आलोक लिखा हुआ था और आलोक का यहाँ पे फेस भी बना हुआ था, इसलिए ये टी शर्ट काफी ज्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है, जिसमें आलोक का फेस बना हुआ है और आलोक लिखा हुआ है। नंबर 5 गाइस, नंबर 5 पे जो टी शर्ट आता है वो है इन्फिनिक्स टी शर्ट, जो कि यहाँ पे एक इवेंट आया था, जिसमें मोबाइल फोन इन्फिनिक्स का गिफ्ट दिया जा रहा था, कोई सारा मिशन कंप्लीट करना था या फिर कोई लाइव स्ट्रीम वगैरह था जो कि कंप्लीट करना था, तो किसी यहाँ पे लकी विनर को इन्फिनिक्स फोन दिया जा रहा था, तो उसी समय ये टी शर्ट भी निकाला था, जिसका नाम है इन्फिनिक्स लिखा हुआ है, यानी कि फोन का नाम है इन्फिनिक्स, आपको पता है, और ये चीज हमें टी शर्ट में देखने को मिला था, इसलिए ये टी शर्ट काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये बहुत ही कम बंदों के पास ये टी शर्ट है। नंबर 4 गाइस, नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे जॉ टी शर्ट है, जो कि सीजन 2 के इलाइट पास के फ्री इलाइट पास का हमें टी शर्ट मिला गया था, और आपको पता है कि सीजन 2 का हर एक आइटम कितना ज्यादा रेयर है, तो उसी में से एक टी शर्ट मिला था सीजन 2 के इलाइट पास में, जिसको कि यहाँ पे जॉ के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे डॉल्फिन बना हुआ है, कुछ इस तरह से रेड कलर ब्लू कलर का मिक्सिंग है, और यहाँ पे देख सकते हो डॉल्फिन बना हुआ है, जो कि पीछे यहाँ पे फ्री फायर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जॉ टी शर्ट अभी के समय काफी ज्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है। नंबर 3 गाइस, नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में जो आता है उसका नाम है बोसिडो रोब करके, और ये सीजन 1 के इलाइट पास में मिला था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके जो टी शर्ट पे बना हुआ है ना लोगो, वो सीजन 1 के इलाइट पास का लोगो है, जो कि आप स्क्रीन पे देख
देख सकते हो। और ये भी हमें फ्री पास में मिला हुआ था सीजन वन के इलाइट पास में, और जो पुराना बंदा जो सीजन वन से खेल रहा है उसी के पास ये टी शर्ट होगा, बाकी किसी के पास ये टी शर्ट नहीं होगा। इसलिए ये टी शर्ट अभी के समय काफ़ी 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 ज़्यादा रेयरेस्ट टी शर्ट में से एक है जो कि मैंने सीजन टू और सीजन वन के दिखा रखा है। नंबर टू की बात करें तो वहाँ पर मैंने बहुत ही सारे टी शर्ट रखा है, जहाँ पे सीजन फोर फाइव सेवन अप टू 15 तक का जो भी गोल्ड का सीजन गोल्ड का जो टी शर्ट है ना, गोल्ड और फिर यहाँ पे डायमंड वाला का टी शर्ट है ना, उसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अभी के समय रेयर है। आपको पता है कि सीजन 5, 6, 7 का जितना भी गोल्ड टी शर्ट या फिर हीरोइक टी शर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। हालांकि हीरोइक उस समय पहुँचना बहुत ही ज़्यादा टफ था, लेकिन उस समय के जितने भी ये सारे टी शर्ट है अभी अगर पहन के कोई आ जाता है तो उसे पुराने प्लेयर समझ के बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने लोग हैं। तो पुराने टी शर्ट में ये सारे टी शर्ट आप देख सकते हो, सीजन 9 का गोल्ड टी शर्ट कुछ इस तरह से है। तो ये सारे टी शर्ट अभी के समय काफ़ी ज़्यादा रेयर है क्योंकि ये पुराने हैं सीजन 1 to 9, 10 तक, ठीक है। नंबर वन की बात करें तो यहाँ पे मैंने दो टी शर्ट रखा है। सबसे पहले सीजन 3 का हीरोइक चैंपियन, जहाँ पे सीजन 3 पे हीरोइक पहुँचने पे ये टी शर्ट मिला था। उसके बाद एक और टी शर्ट रखा है जो कि सीजन 2 का हीरोइक टी शर्ट है। ये भी दोनों, ये जो दोनों है ना, ये इतना ज़्यादा रेयर है कि बहुत ही कम बंदों के पास है, मतलब 1% का आप बोल सकते हो, क्योंकि ये जो दो टी शर्ट है ना उस समय हीरोइक पहुँचना बहुत ही बड़ी बात होती थी। एसके सबीर बॉस जैसे लोग उस समय पहुँचा करते थे, तो इसलिए ये बहुत ही कम बंदों के पास है। इसलिए सीजन 3 और सीजन 2 का हीरोइक टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा और सबसे ज़्यादा रेयर टी शर्ट में से एक है। तो गाइस, इन सारे टी शर्टों में से आपके पास कौन कौन सा टी शर्ट है कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे मैं लाइव आने वाला हूँ। तो इन सारे लोगों को सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।